2018 में 17 नवंबर से लेके 11 दिसंबर के बीच में पंचायती इलेक्शन कराए गए थे और टोटल 23,629 पंचेज और 3,652 सरपंचेज वर रिटर्न्ड। सो चेयरपर्सन फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन पार्टी बेसिस पर होने का है। टोटल 316 ब्लॉक्स हैं स्टेट में, जिसमें से कि 310 पर इलेक्शन होंगे, दो जगह, एक कुलगाम में और एक श्रीनगर में, जहां पर कि कोई भी पंच या सरपंच नहीं चुना गया था, और चार ऐसी सीट्स जिस पर कि विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और उसमें कोई विमेन नहीं है। सो टोटल 6 काउंसिल के इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, 310 पर इलेक्शन होंगे। इलेक्टोरल रोल फोटो इलेक्टोरल रोल है, जिसमें जितने इलेक्टेड पंच और सरपंच हैं वो इलेक्टर्स हैं, और उनका फाइनल पब्लिकेशन 23 सितंबर को किया गया था। इस इलेक्शन में रिजर्वेशन है एससीज के लिए, एसटीज के लिए और विमेन के लिए। सो टोटल 172 आउट ऑफ 316 रिजर्व हो गए। सो डेट ऑफ इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन इज 1 अक्टूबर। दो दिन का वक्त इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इलेक्शन का, उस ब्लॉक के इलेक्शन का नोटिफिकेशन है वो रिटर्निंग ऑफिसर को करना है। सो हमें 310 रिटर्निंग ऑफिसर्स के थ्रू ये नोटिफिकेशन इशू करनी है, जो कि 1 अक्टूबर तक ख़त्म होगी। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन है 9 अक्टूबर। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स 10 अक्टूबर। विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 11 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। इलेक्शन का टाइम रहेगा 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। 3 बजे से काउंटिंग होगी और उसी दिन पूरी की जाएगी, अनलेस कि हम लोग कोई और नोटिफिकेशन से इन टाइमिंग्स को चेंज कर पाएँ। सो डेट ऑफ वोट एंड डेट ऑफ काउंटिंग दोनों एक ही है और पूरे प्रोसेस को 5 नवंबर तक पूरा करने का इंतज़ाम किया गया है।